नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का डेली सेशन प्रारंभ किया है, ये उसका तीसरा सेशन है। दोस्तों, इस सेशन में हम 8 से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करते हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन कोट भी लेके आया हूं जो आपको दिन भर मोटिवेटेड रखेगी और आप अपनी सफलता के लिए लगातार जुटे रहेंगे। लाइन है, सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है। अगर हम सफल होते हैं तो हमारा परिचय अपने आप हो जाता है दुनिया को, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। इसलिए असफल नहीं, आपको सफल होना है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राजस्थान में कृषि, मतलब आज हम 20 क्वेश्चन जो करेंगे वो राजस्थान में कृषि से संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है, मतलब किसे राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। तो ये श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है, यह आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है, मतलब किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो वो है खरीफ की फसल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। और ये कब काटी जाती है, ये सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती है, ये ध्यान रखना। और इसके बारे में जानकारी ली जाए तो ये जो खरीफ की फसल है इसमें मुख्यतः चावल, ज्वार, बाजरा आदि बोए जाते हैं, और भी कई फसलें, मक्का भी है इसी में, ये सब फसलें इसमें बोई जाती है। ठीक है, अब ये सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है, क्यों है सर्वाधिक उत्पादन वाली, क्योंकि ये जो है वो 130 से 140 लाख हेक्टेयर में राजस्थान बोई जाती है, मतलब ये कुल कृषि भूमि का लगभग 60 से 65% है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, कौन सी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये है बाजरा, बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देश में बाजरे का उत्पादन का 30 से 40% तो केवल राजस्थान में ही होता है। जितना देश में बाजरा उत्पादन होता है उसमें 30 से 40% केवल राजस्थान में होता है, यानी राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब अगर बात करें तो इस बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ होता है, वो अलवर में होता है। और एक अक्सर आप लोगों को एक क्वेश्चन और पूछते हैं जो कंफ्यूजन करता है, कई बार उत्पादकता के बारे में भी पूछते हैं कि जैसे बाजरे की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है, तो इसकी सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो कहाँ पर है, धौलपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों, धौलपुर। उत्पादकता अलग कंडीशन है और उत्पादन अलग है, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा उत्पादन अलवर में और सबसे ज़्यादा उत्पादकता धौलपुर जिले में है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है, मतलब रबी की फसल में मुख्य खाद्यान्न किसका है, तो वो है गेहूं का। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जैसे खरीफ की फसल 130 से 140 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है, वहीं रबी की फसल जो है वो 70 से 80 लाख हेक्टेयर में बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है, तो गंगानगर में है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा गंगानगर में होता है, इसलिए गंगानगर को अन्न भंडार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवन घास मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, तो सेवन घास जो है वो जैसलमेर जिले में पाई जाती है, जैसलमेर के रेगिस्तानों में सबसे ज्यादा ये होती है। इसके अलावा बात करें तो इसका एक स्थानीय नाम भी है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं लीलोण। क्या कहते हैं दोस्तों,
लीलोन इसका एक स्थानीय नाम भी है जो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो का उत्पादन राज्य में किस समय होता है, मतलब किस समय जो का उत्पादन किया जाता है। तो ये रबी की फसल के समय किया जाता है, जो रबी की फसल है उस समय जो का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, और बात करें जो का उत्पादन के लिए, तो जो का उत्पादन भी सर्वाधिक कहाँ होता है, ये गंगानगर में होता है, गंगानगर में होता है, आप लोग ध्यान रखना। अभी अपन ने बात भी की है गंगानगर को अन्न भंडार कहते हैं। अच्छा, उत्पादकता अगर पूछे तो उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है, हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में उत्पादकता, हनुमानगढ़ में, और सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा है, राजस्थान में जो कृषि होती है उसमें सबसे ज्यादा बाधा किसके कारण होती है, तो यह है जल संसाधनों का अभाव। क्या है, जल संसाधनों का अभाव। और अगर आप लोग अभी देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो भूमिगत जल स्तर है वो भी गिरता जा रहा है, तो ये जो जल संसाधनों की कमी है ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला ईसबगोल, जीरा व टमाटर के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, मतलब किस जिले में इनका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, वो है जालोर। जालोर में, जालोर जो है वो इनके उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, आपको एक और बता दूं, जो ईसबगोल है, ठीक है, ये ईसबगोल को घोड़ा जीरा भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोड़ा जीरा। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म किस जिले में स्थित है, तो ये श्रीगंगानगर में स्थित है। आप लोग नाम ध्यान रखना, कहाँ स्थित है, जैतसर कृषि फार्म श्रीगंगानगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है, नागौर जो है किस उपज के लिए, किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो क्या है, मेथी, मेथी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, तो यह है बाजरा। जैसे अभी मैंने बताया था कि भारत का 30-40% बाजरा केवल राजस्थान में होता है, इसलिए बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक हो गया। नेक्स्ट है, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है, तो यह है बारा में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान में खस का उत्पादन किस जिले में होता है, तो राजस्थान में जो खस का उत्पादन है वो भरतपुर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, ध्यान रखना ये खरीफ की फसल है, किसकी फसल है, खरीफ की, मक्का का उत्पादन किस जिले में होता है, तो मक्का का उत्पादन जो है वो भीलवाड़ा में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोचनी क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जो कई लोगों को इसके बारे में पता होगा। वैसे आपको बता दूं गोचनी क्या है, तो गोचनी जो है वो गेहूं, जौ और चने का मिश्रण होता है जिससे रोटियां बनाई जाती है, तो गेहूं, जौ और चने के मिश्रण को क्या कहते हैं, गोचनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मोठ की फसल किस जिले में सर्वाधिक होती है, मोठ की फसल जो है वो कहां पर सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर है चूरू, चूरू में मोठ की फसल सर्वाधिक होती है। अच्छा, इसमें अतिरिक्त जानकारी मैं ये दे दूं कि जो दलहनी फसलें हैं, कौन सी दलहनी फसलें जो है उसमें सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है, सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है कौन सी, मोठ की फसल। और ये कितनी बोई जाती है, तो दलहनी जितनी भी फसलें उनमें से 40% मोठ बोया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में कृषि उपज कम होने का मुख्य कारण क्या है, कृषि उपज की कमी का कारण क्या है, तो इसकी कमी है सीमांत जोत वाले खेतों की अधिकता होना। अगला क्वेश्चन है अपना, ज्वार सबसे अधिक किस जिले में होता है, ज्वार का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो है नागौर, नागौर में ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, डेली अपना सेशन होता है, डेली 4 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाता है, इसलिए आप लोग जो है लगातार इसको
पढ़ते रहो, क्योंकि जो सफलता मिलती है वो लगातार मेहनत करने से ही मिलती है। और आप लोग अपने पूरे दिन में 10 मिनट निकाल के अगर 20 क्वेश्चन तैयार करते हो तो मैं मानता हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।